सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एचपी पवेलियन 15 लैपटॉप की। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देख रहे होंगे कि इस लैपटॉप में हमें मिल क्या क्या चीजें रही हैं। उसके बाद बात करेंगे किन्हें इस लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं, यानी कि आप जिस काम के लिए भी लैपटॉप ढूंढ रहे हो, क्या ये लैपटॉप आपके सभी काम करने में सक्षम है या फिर नहीं। और एट द एंड बात कर रहे होंगे इस लैपटॉप के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स। तो बहुत क्विकली स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें आपको एएमडी राइजन की तरफ से राइजन 5 5525U का प्रोसेसर मिल रहा होगा। 16 MB कैश मेमोरी होगी। 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल रहे होंगे। 4.3 GHz तक मैक्सिमम क्लॉक स्पीड बूस्ट हो जाता है इसका। बात कर ले अगर ग्राफिक्स की तो आपको एएमडी रेडियन की तरफ से ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलने वाला है। 16 GB का रैम है और इससे ज्यादा आप इसे और एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी कि 16 GB का ही फुल एंड फाइनल आपको DDR4 रैम देखने को मिलने वाला है। इंटरनल स्टोरेज में आपको 512 GB ऑनबोर्ड SSD देखने को मिलेगी इंटरनल स्टोरेज। अगर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो 15.6 इंच का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगा। 100% sRGB वाला डिस्प्ले, यानी कि फुल कलर एक्यूरेसी मिल रही होगी आपको इस लैपटॉप में। 250 निट्स का ब्राइटनेस है, जिसे थोड़ा सा और इंक्रीज किया जा सकता था, बट ऑफकोर्स अगर इस प्राइस रेंज में देखें तो 250 निट्स एक नॉर्मल डिस्प्ले हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं किन्हें इस लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं। तो सबसे पहले तो बात कर ले क्या क्या ये काम कर सकता है। तो आपका कोडिंग हो गया, डे टू डे टास्क हो गया, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, जो भी चीजें हो गई, इवन आपका अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के लिए आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो बेसिक मॉडल्स तो रन कर ही सकता है। अब अगर आपको हैवी मॉडल्स भी रन करने हैं, जो कि आपके ड्यूरिंग द कोर्स में बहुत थोड़े बहुत ही समय आ रहे होंगे, अगर आपको फुल सिलेबस से ओरिएंट होकर चलना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप 2-2.5 लाख 3 लाख का बहुत महंगा सेटअप ले लीजिए, या फिर यही 50-55 हज़ार वाला एक लैपटॉप लीजिए और उसके साथ AWS Azure पे कोई अकाउंट बना लीजिए। अब अगर बजट की बात आ ही गई है तो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की प्राइसिंग। आज के डेट में Amazon पर 58,000 के अराउंड चल रही है। अब अगर लैपटॉप परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका Amazon लिंक दिया गया है, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसमें आप 2K लेवल तक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करनी है वो भी आप कर पाओगे, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स लगा देते हो, VFX यूज कर देते हो, तो रेंडर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करनी ही है तो आप ट्राई करिए कि ऐसा लैपटॉप लेने का जिसमें मिनिमम NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड हो। गेमिंग के हिसाब से बात कर ले तो आपका बेसिक गेम्स लाइक GTA 5, वैलोरेंट स्मूथली खेल पाएगा, लेकिन हमारा एक गेमिंग PC नहीं है, गेमिंग लैपटॉप नहीं है। अगर आपको अच्छे खासे गेमिंग करनी है तो ट्राई करिए कम से कम, अगेन, आपके लैपटॉप में मिनिमम RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड हो, अगर अच्छा खासा गेमिंग करना है। बट ऑफकोर्स अगर हम एक विंडोज लैपटॉप ले रहे हैं और थोड़ा बहुत भी गेम ना खेल पाए तो फिर उस विंडोज लैपटॉप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत बार काम से थक हार कर हम कभी कभार गेम्स के ऊपर आ ही रहे होते हैं। तो नॉर्मल गेम्स, मीडियम लेवल गेम्स लाइक GTA 5, वैलोरेंट हमारा ये लैपटॉप आराम से खेल लेता है। तो ये थे इसके कुछ बेसिक चीज़ें। बात कर ले इंजीनियरिंग स्टूडेंट के हिसाब से, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले बंदे हो, आपको सॉलिड वर्क्स, कैटिया, एनसिस, मैटलैब, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर्स चलाने होते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स आराम से स्मूथली ये लैपटॉप चला सकता है। काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस पैक लैपटॉप है हमारा। अब अगर वापस कोडिंग पे आए तो देखिए, कोडिंग तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है, हलवा है। चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, बेसिक कोडिंग हो, C++, जावा, पाइथन, आपको जो भी करना हो आराम से कर लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कोडिंग करना चाहते हो तो मैं कभी भी इतने महंगे लैपटॉप सजेस्ट नहीं करता। आप 30 से 40 हज़ार वाला लैपटॉप लीजिए। अगर आपको थोड़ी एंड्रॉयड डेवलपमेंट और बढ़िया तरीके से करनी है तो 45 से 50 हज़ार वाला लीजिए, लेकिन इतना महंगा लैपटॉप कभी मत लीजिए अगर आपको प्योर कोडिंग करनी है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं भैया 60 हज़ार के अंदर अंदर बेस्ट लैपटॉप बता दीजिए कोडिंग के हिसाब से, तो इस लैपटॉप के साथ अगेन आप जा सकते हो। अब यहाँ कोडिंग वाले बंदे थोड़ा सा देखते हैं भैया बैटरी बैकअप थोड़ा बढ़िया मिल रहा हो, तो देखिए इस लैपटॉप में ऑन पेपर तो 8 घंटे लिखा गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बात करें तो इस तरीके के लैपटॉप में आपको 6 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि बहुत शानदार होता है। तो ठीक है, कॉलेज के हिसाब से अगर आप कॉलेज डे टू डे लाइफ में कैरी कर लेकर जाना चाहते हो तो आराम से लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, आपका पूरा दिन संभाल लेगा ये लैपटॉप। इसी के साथ अगर हम बात कर ले इसके वजन पे, तो जितना मुझे बेस्ट याद आ रहा है 1.73 kg या इसी के अराउंड इसका कुछ वजन है, तो वजन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसमें 1.73 या इसी के अराउंड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
मैं लिख दूंगा वीडियो एडिटिंग के समय, तो उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमें इसे डे टू डे लाइफ में कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक बढ़िया परफॉर्मेंस पैक लैपटॉप चाहिए, बहुत शानदार है। अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी हो, 2K लेवल तक आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, आपको बहुत बढ़िया कलर एक्यूरेसी चाहिए, तो हमारा 100% sRGB का डिस्प्ले मिल रहा है। आप आराम से इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। कोडिंग वाले बंदे 60,000 के अंदर एक बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे थे, आराम से इस लैपटॉप के साथ जाइए। आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का जो भी टास्क है बिल्कुल आराम से संभाल लेगा। लेकिन अगर आपको 4K लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग करनी हो, हाई लेवल ऑफ गेमिंग करनी हो, तब ट्राई करिए कम से कम आपके लैपटॉप में RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड हो। बात कर ले अगर कॉन्स की, तो बहुत ज़्यादा कुछ इवन हमें कुछ कॉन्स देखने को ही नहीं मिला इस लैपटॉप में। लेकिन मेरे तरफ से पर्सनली अगर बात करें तो 250 निट्स का डिस्प्ले इस लैपटॉप के लिए थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने इसके डिस्प्ले पर कुछ खास ध्यान दिया है। यानी कि इस प्राइस सेगमेंट में जो हमें लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं, उससे बेटर डिस्प्ले अगर देखने को मिल रही है, तो फिर निट्स ब्राइटनेस लेवल के मामले में उस प्राइस सेगमेंट में क्यों आ गए? थोड़ा सा और डिस्प्ले को कम से कम 300 निट्स 400 निट्स तक लेकर जाया जा सकता है। बट अगेन, अब जिन्हें लग रहा है कि 250 निट्स कम होता है, तो कम नहीं होता। अगर आप इसे रूम में रखकर चला रहे हो तो 250 निट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लेवल होती है। देखिए, निट्स को बढ़ाना तब काम आता है जब अगर आप धूप में बैठकर चला रहे हो, आउटडोर काम कर रहे हो, तब आपका अगर ब्राइटनेस लेवल 400 निट्स के आसपास है तो बहुत तगड़ा होता है, आप धूप में भी आराम से बैठकर चला पाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता डे टू डे लाइफ में अगर आप कुछ इंजीनियरिंग टास्क या कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस में भी जा रहे हो, तो आप धूप में बैठकर चलाने वाले हो, तो 250 निट्स भी ठीक होता है। बस मैंने अपने एंड से कहा कि अगर डिस्प्ले पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है इस लैपटॉप में, तो निट्स पे भी थोड़ा सा और ध्यान दिया जा सकता था, वरना और इस लैपटॉप में कुछ कंप्लेन नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड क्वालिटी मीडियम है, ठीक है यार, लैपटॉप में हमें उतना ज़्यादा साउंड क्वालिटी चाहिए भी नहीं होता है, लो नहीं है, मीडियम है, तो कम नहीं बोलेंगे तो आराम से उतना आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वरना अगर हम बात कर ले 60,000 में बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया HP के भरोसे वाला एक बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी, बढ़िया परफॉर्मेंस पैक्ड लैपटॉप देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको लैपटॉप परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका Amazon लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।